नमस्कार नमस्कार सर क्या नाम है जी जी आपका? राम कहां से आए आप? गांव अनूपगढ़ जिला श्री गंगानगर राजस्थान गाँव संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कब ली जी उनतीस नवम्बर दो को संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे पहले सर हम ये जो बजरंगबली की हनु ए, माता जी की रामदेव जी का और भैरू जी के बकरे वगैरह वहाँ चढ़ाते थे राजा सर में उसके अलावा जो जांडी वगैरह पूजते हैं वो भी पूजा करते थे और हमारे एक चाचा जी और के घर में एक पित्र की जगह बना रखी थी पित्र साधना भी करते थे पीरों के भी साधना वो बीच में साधना वो भी करते थे उसके अलावा जो व्रत वगैरह करने हैं वो भी किया करते थे सर तो फिर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा क्यों ली सर वो जो हम पहले साधना कर रहे थे उनसे हमारे को कोई विशेष लाभ नहीं मिले थे तो हम क्या परेशान हो चुके थे क्योंकि हमारे जो पहले उन्नीस में, में मेरे पिताजी जो है वो मेंटली डिस्टर्ब हो गए थे और उनको हमने गंगानगर में दिखाया और सूरतगढ़ में जो बीकानेर में जहाँ जहाँ हमारी पहुँच थी लेवल के हिसाब से वहाँ हमने सब दिखाया और उसके अलावा जो हमारे एक सिस्टर छोटी उनको भी भूत प्रेत की दिक्कत रहती थी और मेरे जो पत्नी थी उनको भी ये समस्या थी और हमारे जो पिताजी थे वो लगभग तीन साल तक बीमार रहे थे उस दौरान हमने दवाइयाँ भी दिलाई और जो जहाँ जिन्होंने झाड़ फूंक और जो हमारे को बताया गया था अभी संत महात्मा जैसे भी थे उनके पास हम दाड़े झाड़ा करवाए थे उनसे हमारे को कोई लाभ नहीं मिला था और हमारा जो उम, पितृ वगैरह जो पूजा वगैरह थी वो भी हम करवाते थे और ये जो माता जी के जागरण वगैरह जो भगत लोग आते थे जो हमारे यहाँ दागा तबीद करने वो हमारे को बताते थे जी आप ये धागा करवाओ और यहाँ जा जागरण वगैरह लगवाओ वहाँ आपको जाना पड़ेगा यानी कि राजा सर और पल्लू वगैरह रामदेवरा ये जहाँ जाते रहो हमने एक एक महीने में तीन तीन जागरण लगवाए संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कैसे पहुँचे सर वो हम ये सभी साधना करके जब हार चुके थे थक चुके थे तो हमारे मन में एक यही क्वेश्चन रोज करता मैं सुबह उठता ही भी जो भी कोई पूर्ण परमात्मा है वो हमारे को हमारे पे दया करो क्योंकि हम इतने दुखदाई हो गए थे हमारे जो पत्नी हैं उनको भी उन्नीस में मेरी शादी हुई थी उसके बाद में एक साल बाद में टीबी हो गई थी तो टीवी होने के बाद में उनको हमने गंगानगर बीकानेर और जो यानी कि चंडीगढ़ वगैरह तक का हमने दिखाया था तो उससे उनके टीवी में ज़्यादा कुनेन देने से उनको सुनाई देना भी बंद हो गया था तो फिर क्या हुआ जब वो भी बीमार हमारे पत्नी भी बीमार रहने लगी थी छोटी सिस्टर भी बीमार थी पिताजी भी हमारे वो मेंटली डिस्टर्ब थे उन सभी साधनाओं को फिर हमने एकदम से छोड़ दिया था जो हमारे चाचा जी पितर पूजा करवा रहे थे हमारे से वो पितर हमारे को शाम को बोलता जी हम ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे ये नुकसान करूँगा सुबह हमारा कोई कभी भैंस मर जाती थी कभी कोई बैल मर जाता था कभी कोई उसका पाटी वगैरह जैसे भैंस की होती है वो मर जाती थी इससे हम बहुत परेशान हुए सर तो बाद में जी हमारे को धीरे धीरे दी ये परमात्मा के संत रामपाल जी महाराज का सत्संग हमारे को टीवी के माध्यम से सुनने को मिला और हमने लगभग एक साल तक सत्संग सुना और सत्संग सुनने के बाद में हमने एक ज्ञान गंगा पुस्तक मंगवाई और वो पुस्तक पढ़ने के पढ़ने से हमारे को परमात्मा की वो जो सत्संग थी वो यानी कि पुस्तकों के माध्यम में जो परमात्मा दिखा रहे थे प्रमाण सहित दे रहे थे तो हमारे को वो अच्छा लगा हमने धीरे धीरे उनको और सुनना और बुके पढ़ना जारी रखा तो बीच में फिर एक दिन परमात्मा ने दया करी संत रामपाल जी महाराज ने जो सत्संग सुनने थे मैंने कहा भाई जो पूर्ण परमात्मा अगर कोई पूर्ण गुरु है तो हमारे को घर से आके जो लेके जाएगा वो हम उन्हीं के साथ जाएंगे तो सुबह सुबह मेरे को चार बजे परमात्मा की दया से सपना आया रामपाल जी महाराज की दया से तो रामपाल जी महाराज हमारे गेट के आगे खड़े थे वाइट कपड़ों में और बोले बेटे आपने हमारे को बोला था अभी हमारे को जो लेने आएगा घर से हम उसी संत के साथ जाएंगे उन्हीं से नाम लेंगे तो हमने कहा हाँ जी तो चलो बेटे आप बरवाड़ा चलते हैं और आप वहाँ नाम दीक्षा लो तो मैंने कहा ठीक है तो मैं महाराज जी के पीछे पीछे थोड़ी दूर गया उसके बाद में मेरे को सुबह नींद जग गया था संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले सर रामपाल जी संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने से परमात्मा ने हमारे पर बहुत दया की है बहुत से लाभ मिले हैं मेरे को हर चौथे पाँचवें महीने में, में पथरी होती थी वो परमात्मा की दया से नाम लेने से पहले हर छठे महीने दवाई पाँचवें महीने दवाई लेनी पड़ती थी और नाम लेने के बाद में पथरी निकली जरूर थी उसके बाद में बनी नहीं और एक मेरे को थोड़ी बीपी की प्रॉब्लम थी वो भी परमात्मा की संत रामपाल जी महाराज की दया से वो भी बीपी भी सेट रहने लग गया था और एक हमारे जो चरम रोग की प्रॉब्लम थी रात शाम को ऐसे बड़े बड़े यहाँ दफ्पड़ से हो जाते थे मुंह पे और सर में पैरों पे पेट पे वो भी परमात्मा के दया से नाम लेने से कोई पंद्रह दिन मैंने बाद में दवाई ली थी उसके बाद में दवाई लेना बंद कर दिया और उसके अलावा भी परमात्मा ने हमारे को इतनी दया बख्श रखी है कि घर में अभी कोई पैसे की और कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है जो पहले हमारे भूत प्रेत थे जो पित्तर थे जो हमारे को तंग करते थे वो भी अब पता नहीं कहाँ चले गए हमने तो उनको दोबारा हमारे को कभी उन्होंने कष्ट नहीं दिया और जी एक बार हमारी वो गुड़िया कॉलेज गर्ल स्कूल में पढ़ने ऑटो पे जाती थी तो रस्ते में क्या है वो हमारे प्रेम नगर गाँव एक वो शहर के नज़दीक ही एक है गाँव वहाँ पे क्या ऑटो पलट गया था तो हमारे को नाम लिए लगभग एक महीना हुआ था तो हमने क्या घर पे मेरे को किसी ने फ़ोन किया अभी ऐसे ऐस आपकी गुड़िया कहाँ है मैंने कहा वो तो कॉलेज स्कूल गई तो कहा यार वो उसका ऑटो पलट गया क्या मैंने कहा कोई बात नहीं हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में है कोई बात नहीं जो पलट गया तो देखा जाएगा तो बाद में क्या हुआ जब मैंने खाना खुना खा के एक घंटे बाद में फ़ोन किया तो पता चला कि जिस तरफ हमारी वो गुड़िया बैठी थी ऑटो उसी तरफ पलटा था और बाकी लड़कियों को किसी को बीकानेर किसी को गंगानगर किसी को कहीं रेफर कर दिया हमारी गुड़िया के मामूली सी यहाँ पे थोड़ी सी खनौंच आई थी और उसके कभी दिक्कत नहीं थी कोई और वो सबसे पहले ऑटो में वो निकल के बाहर खड़ी थी कहाँ पर जरूर रही थी और उसको कहीं कहीं चोट नहीं आई कोई नशा करते थे आप हाँ जी नशे सारे एक भी नहीं छोड़ा सिगरेट बांग तमकू जर्दा गुटखा वगैरह सब खाते थे वो सब हमने हमारे किराने की दुकान भी है घर पे हमने वो भी सब बाहर फेंक दिया ना हम नशा बेचते हैं और ना ही हम खाते हैं ना ही हमारे कोई बच्चे वगैरह सब परमात्मा के दया से मालिक संत रामपाल जी महाराज की शरण में सभी जुड़ चुके हैं अभी हाँ जी अब हमारे जो पत्नी थी उनको जो लाभ मिले थे वो पहले उनको जो सुनाई नहीं देता था रात को हमारे को ध्यान रखना पड़ता था क्योंकि उनको जो थोड़ा सा एक जोर का जो खड़का हो जाता था या आवाज़ आती थी उससे वो रात को पूरी रात सोती नहीं थी और सर में कभी वो को, कोई भी चीज़ आगे वो सर में मारने की कोशिश करती थी क्योंकि उसका सर ज़ोर ज़ोर से रात में वो च, 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 सी उनको सुनने लग जाती थी तो वो मालिक की दया से अब उनको वो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना ही उनको कोई और बाधा भूत प्रेत की है ना ही कोई बीमारी की परमात्मा की दया से हम सभी अब आनंद मंगल हैं जी भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं भगत समाज को संदेश तो जी हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज का है हम तो मात्र एक विनती कर सकते हैं प्रार्थना कर सकते हैं भी जो भाई बंधु हैं जो दुखी हैं कम से कम और तो चलो कोई ज्ञान सुने कम सुनते हैं जो दुखी हैं वो तो कम से कम परमात्मा के ये सत्संग सुनो जो भी परमात्मा ने चैनलों पे जो सत्संग वगैरह आ रहे हैं उनके ऊपर सत्संग सुनो बुकें जो भी जहाँ भी आपको सेवा करते हैं कोई भगत भाई मिल जाता है तो वहाँ से बुक लेके और आप, आप बुकें भी पढ़ो और ज्ञान प्राप्त करो और नाम दीक्षा लेके कर इस आपके जो सभी रोगों का जो निवारण है वो संत रामपाल जी महाराज के पास है जी बहुत बहुत धन्यवाद सर सर